नमस्कार दोस्तों जो जनवरी में ग्राम सचिव की परीक्षा होनी है उसके लिए जो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो इस वीडियो में लेके आए हैं ये वीडियो आपका सबके लिए महत्वपूर्ण है जो ग्राम सचिव के साथ साथ लैब अटेंडेंट एम पी एस डब्ल्यू स्टाफ नर्स महिला सुपरवाइज़र एसकेट सभी में इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए है सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है किस तरह के सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला क्वेश्चन है यह कथन किसने कहा भारतीय गांव सिथर समुदाय नहीं है बल्कि अगर देखिए ये आपका कंप्लीट पेपर है हमारे पास से ये जो आपका जिसमें से हमने क्वेश्चन लिए कंप्लीट है अगर आप ये चाह रहे हैं कि भी कंप्लीट सेट ही आप प्रोवाइड करा दे वो हम प्रोवाइड करा देंगे कमेंट बॉक्स में आप है इसका जो जवाब है कि भी आपको पेपर चाहिए पूरा वो कमेंट बॉक्स में डाल दें

उन्होंने बताया था देखिए कुछ आंसर है एक दो आंसर है वो गलत हो जाता है लेकिन हम जो आंसर है लेके आते हैं जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की प्रोवाइड करवा रखी हैं उनमें से लेके आते हैं अभी इसमें बताएंगे हम जो हमने आंसर की उठाई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की उस पर से उसमें कि कौन से कौन से क्वेश्चन का आंसर है उन्होंने दिया था गलत दिया था और जो सही आंसर उनका क्या है आसान आसान क्वेश्चन का भी उन्होंने रॉन्ग आंसर दे रखा ग्राम पंचायत का कार्यकाल है कितने साल का होता है तो पाँच वर्ष का ग्राम पंचायत का कार्यकाल रहता है इसमें जो क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है टेंथ के जो टेंथ क्वालिफ़िकेशन होती है ये जर्नल कैटेगरी के लिए होती है एट्थ क्वालिफिकेशन वूमेन और जो एस सी कैटेगरी होती है उनके लिए होती है एस हरियाणा में नहीं है कोई भी किस गणना में पाँच चालीस छप्पन तीन सौ अठासी आवास ग्रह थे तो कौन सी जनगणना थी वो थी नाइनटीन फिफ्टी वन जनगणना थी सेंसस के ऊपर कुछ क्वेश्चन और आते हैं वो देख लेते हैं सेंसस सबसे पहले अठारह सौ बहत्तर में आइडिया आधा शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो में कंप्लीट नहीं थी लेकिन जो कम्प्लीट सेंसस थी वो एटीन एट्टी वन में आई थी टोटल अभी तक आपकी जो फिफ्टीन सेंसेस हैं हो चुकी हैं और किस सेंसस जो एक्ट है किस सेंसस के आधार पे अभी है ये जो जनगणना होती हैं 1948 से सेंसस ऑफ इंडियन एक्ट है जिसके आधार पे जो जनगणना है वो होती हैं दो हज़ार इक्कीस में सोलहवीं सेंसस से है वो होनी है जो दो हज़ार इक्कीस आने वाला है लेकिन कोविड के कारण है मेरे हिसाब से वो स्थगित है अभी है शायद नहीं हो पाए कंप्लीटली भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ तो भूदान आंदोलन है एक क्वेश्चन रह गया ऊपर ए आर डी सी का विस्तारित रूप क्या है ए डी आर सी है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक जुलाई उन्नीस सौ तिरसठ को ये बना था तब इसका नाम था ए आर सी एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन था लेकिन उन्नीस सौ पचहत्तर में रीनेम्ड कर दिया था एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आर बी आई ने इसको है आपका आर बी आई के अंडर है काम करता है और इनके अंडर है आर बी आई और ये एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट एक नाबार्ड है आपका नाबार्ड बीस के अंडर है इनके अंडर है आपका काम करता है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ तो भूदान आंदोलन है ये आचार्य विनोबा भावे हैं जो जिनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उन्होंने स्टार्ट किया था लगभग ये बीस साल तक जो भूदान आंदोलन है बीस साल तक चला था इसको लैंड गिफ्ट मोमेंट भी बोला जाता है लैंड गिफ्ट मोमेंट बोला जाता है और ये स्टार्ट आपका 18 अप्रैल उन्नीस सौ इक्यावन को हुआ था विनोबा बावे हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है उनका जन्म तेलंगाना में हुआ था सत्रह सितम्बर अठारह में और उनकी डेथ हुई थी नवम्बर उन्नीस में इनको विनोबा बावे जो हैं गांधी जी का सक्सेसर भी इनको माना जाता है और ये स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन इन्होंने तेलंगाना से और सबसे पहले इसमें क्या था लैंड गिफ्ट मोमेंट में जो जिनके पास से आपका आज़ादी के बाद बहुत सारी संपत्ति थी बहुत सारी जमीन थी और कुछ ऐसे पाँच करोड़ के करीबी इतने परिवार थे जिनके पास से कोई भी लैंड का टुकड़ा नहीं था जिसपे वो कृषि करके अपना जीवन यापन है कर सके इन्होंने देखा जो विनोबा भावे हैं एक गांव में गए थे वहाँ पर किसी गांव के पास है जो आपका वो नहीं थी ज़मीन नहीं थी कुछ परिवारों के पास चालीस पचास परिवार ऐसे थे वो कह रहे थे कि भी हमें कुछ ज़मीन है वो मिल जाए तो हम कृषि कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें तो वहाँ पे एक रामचंद्र रेड्डी थे उन्होंने सबसे पहले लैंड लैंड गिफ्ट है वो, वो उनको ये बोला कि मैं आपको सौ एकड़ है वो प्रोवाइड करवाऊँगा तो उसके बाद इन्होंने विनोबा बावे ने आइडिया लगाया कि इतने बहुत सारे परिवार ऐसे हैं उनके लिए अगर जिनके पास से बहुत सारी संपत्ति है बहुत सारी ज़मीन है वो अगर डोनेट कर दें दे दें दे दे, गिफ्ट में दे दें दे, जिनके पास नहीं है तो उनका जीवन यापन हो सकता है तो ये लगभग आपका बीस साल तक चला था अठारह अप्रैल उन्नीस सौ से स्टार्ट तेलंगाना से हुआ था प्रगति की अवधारणा ब्लैंक की संकल्पना के साथ जुड़ी है तो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस किससे क्लोजली आपका एसोसिएट है वो है सोशल चेंज से सामाजिक परिवर्तन से कोटिल्ला के गांव ब्लैंक की जनसंख्या वाली एक मानवीय व्यवस्था है वो सौ से 500 सौ फैमिलीज पॉपुलेशन विलेज जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य क्या है और जो हम गलत बता रहे थे आंसर एक ये जो आंसर बुदान आंदोलन है बुदान आंदोलन का आंसर आंसर की में दिया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च 1950 लेकिन इसका आंसर है 18 अप्रैल उन्नीस ग्रामीण जनसंख्या का सामान्य स्वास्थ्य क्या है तो सामान्य सामान्य है वो खराब है पुअर है बैड नहीं है पुअर है शिक्षा किस शब्द जो मूल शब्द से निकला है तो लैटिन वर्ड है एजुकेटिव उससे आपका शिक्षा है एजुकेट निकला है एजुकेशन दाई सामने लाती है परिचारिका बड़ा करती है प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षित करता है शिक्षक शिक्षित करता है यह टिप्पणी किसकी है तो ये टिप्पणी है वारों की ऑप्शन नंबर सी शिक्षा समाज के समय ब्लैंक के वाक्य अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो भी जो शिक्षा है आज के समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ जो जीविका का साधन है लाइवलीहुड का साधन है सिर्फ शिक्षा हम यही अपने जीवन यापन करने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमें आगे चल के अच्छी नौकरी वगैरह मिले तो जीवन यापक का है जीवनी का है जो जीविका का है उसका आपका जो एक एक किस्म से वाक के तौर है अतिरिक्त कुछ नहीं है इसके अलावा हमने एक संपूर्ण की सीरीज स्टार्ट कर रखी है संपूर्ण की सीरीज़ में हमने प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिसमें राज्य व्यवस्था है अर्थव्यवस्था है इतिहास है हरियाणा का कंप्यूटर है हिंदी है साइंस से है वो अपलोड कर रखे हैं अगर वो नहीं देखें तो देख लीजिए और जो इनके अलावा प्रीवियस ईयर जितने भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं प्रीवियस ईयर उनके हुए हैं वो सारे अपलोड कर चुके हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है तो ग्राम पंचायत का मुखिया उपयुक्त में से कोई नहीं होता आपका जो सरपंच होते हैं सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है लेकिन जो उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आंसर की थी उन्होंने राष्ट्रपति इसका आंसर दे रखा है एट्टी सेवन का राष्ट्रपति कर्नाटक में ग्राम सत्र का ग्राम स्वशासन कहलाता है तो ग्राम पंचायत है कहलाता है हरियाणा में त्रिकोणीय है तीन स्टेज में है ये जो गवर्नमेंट रोल है ये चलता है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है तो कृषि है सबसे कृषि ही इनका मेन जो है कृषि अभी कृषि कानून पे ही अभी आंदोलन भी किसानों ने कर रखा है कौन सा ग्राम समुदाय में एक महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाता है तो इनमें जो पड़ोस है नाइबरहुड है वो आपका निभाता है इसमें इम्पोर्टेंट समुदाय में महत्वपूर्ण तो भूमिका मेरे हिसाब से भाईचारा भी इसमें होना चाहिए भाईचारा अभी भाईचारा पे भी बात करते हैं लेकिन जो मेन आंसर है पड़ोस है अगर पेपर में आए आंसर की मैं पेपर में दे रखा पड़ोस आपका कृषि उत्पादों के विपणन में को कौन से कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं परिवहन की कमी भंडारण की कमी साक्षरता की कमी सारे के सारे कृषि उत्पादों का जो मैग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं इफेक्ट डालते हैं उसमें भारतीय वंचित वर्ग लीग कहाँ हैं वंचित वर्ग भारतीय ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग है ये कोलकाता में है इसकी स्थापना है जग जीवन राम ने की थी एक क्वेश्चन पूछ सकता है जग जीवन राम ने इन्होंने की थी उन्नीस सौ में कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग दोनों के साथ में 1934 में ये एस सी जो डिप्राइड डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके लिए काम करती है बालक सर्वप्रथम किसके जो समुदाय के संपर्क में आता है वह है पड़ोस के समुदाय के संपर्क में आता है जो दिए गए ऑप्शन हैं आपका सबसे पहले फैमिली के आता है लेकिन अभी पड़ोस में है अभी साथ में दिया गया इनमें ऑप्शनस में किस परिवार ने गाँव अपनी पारंपरिक पैट खो दी है किस कारक की वजह से विच फैक्टर लॉट्स इट्स ट्रेडिशनल होल्ड इन द विलेज तो विवाह प्रणाली प्रणाली है परिवार प्रणाली है विवाह प्रणाली जाति प्रणाली तो उपयुक्त सभी है इन्होंने अपनी पारंपरिक पैठ है वो खो दिया किसका व्यवहार स्वाभाविक होता है बनावटी नहीं होता ये सबसे बेस्ट बात है विलेज के जो गाँव के लोग हैं विलेज पीपल्स हैं ग्रामीण लोगों का उनका व्यवहार है सबसे सही होता स्वाभाविक होता जैसा है वो नेचुरल है वो उनका बनावटी चेहरा नहीं होता पाँच वर्ष पूर्व कितने लोगों के पास शौचालय थे तो पाँच पूर्व पाँच परसेंट लोगों के पास शौचालय ले थे लेकिन अभी है जो शौच मुक्त हो गया हरियाणा पूरा सौ प्रतिशत सोच मुक्त हो गया है अभी सभी सौ प्रतिशत के पास है पाँच परसेंट के पास थे ये दो हजार दस ये दो हज़ार दस की बात है उस टाइम पे पाँच प्रतिशत थे जजमान शब्द किस मूल शब्द से निकला है तो जजमान शब्द यजमान है संस्कृत का वर्ड यजमान उससे निकला हुआ है यजमान से कृषक शिक्षा को नापसंद करते हैं क्यों करते हैं कृषक जो किसान हैं वो नापसंद करते हैं एग्रीकल्चर क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है समय बाध्य है टाइम कंज्यूम करता है ये मानते हैं कृषक को कमानना ये है इस वजह से लेकिन अभी तो जागरूक हो रहे हैं सभी अभी समय साथ देने क्योंकि अभी आगे एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है इस वजह से आप सभी हैं जागृत हो रहे हैं और अपने बच्चों को है शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं अनटचबलिटी ऑफेंस एक्ट कब पास हुआ था एसपर्शी निषेध अधिनियम कब पास हुआ था ये हुआ था 1955 के अंदर अनुजात अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना कितना दिन व्यय हुआ था सिक्स कमीशन जो आपका प्लानिंग आई थी सिक्स फाइव ईयर प्लान होते पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत हुआ था सिक्स में तीन सौ करोड़ रुपये एस सी एक्ट के लिए जो उनके वेलफेयर के सोसाइटी के लिए हुआ था ये था जो आपका पहले क्वेश्चन पेपर आया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोस्ट स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो हम आपके लिए लेके आए हैं उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार